नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। यस, तो फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। मैंने, जो लेखक होता है, राइटर है, वो बोलता है कि मैंने मिस बीम्स के स्कूल के बारे में बहुत सुना तो था, पर मेरे को वहाँ जाने का मौका लास्ट वीक ही मिल पाया। अब यहाँ पे द अ ग्रेट डील का मतलब है कि बहुत कुछ, बहुत कुछ। सेकेंड पैराग्राफ में, व्हेन आई अराइव्ड देयर वॉज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा, सिर्फ एक लड़की दिखी जिसकी उम्र लगभग 12 साल की थी। हर आइज वर कवर्ड, हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुल्ली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय हु वॉज अबाउट 4 ईयर्स यंगर। जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ एक लड़की देखी जो 12 साल की थी लगभग, और उसकी आँखें कपड़े से, बैंडेज से बंधी हुई थी, एंड उसको एक लड़का ले जा रहा था केयरफुल्ली फ्लावर्स के बीचों बीच से, फ्लावर्स के बीचों में से लेके जा रहा, एक छोटा लड़का ले जा रहा था उसे, और जिसकी उम्र लगभग, उस बच्चे की उम्र रही होगी 4 साल लगभग रही होगी। एंड शी स्टॉप्ड, वह रुकती है, एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम। ऐसा लगता है कि वह उससे पूछती है कि कौन आया है। शी सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर देन दे पास्ड ऑन। मुझे ऐसा लगा, ऐसा लगता है कि वह मेरे बारे में उसको बता रहा है, एंड दे पास्ड ऑन, और वह चले जाते हैं। थर्ड पैराग्राफ, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। जैसा कि मैंने सोचा था, मिस बीम पूरी तरह उसी तरीके थी, मिडिल एज्ड, आधी उम्र की, फुल ऑफ अथॉरिटी, रौबदार थी, एंड येट फिर भी काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। फिर भी वह बहुत अच्छी, फ्रेंडली और समझदार थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल सफ़ेद हो रहे थे, एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मैथड्स विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। जैसा कि उनके बाल सफ़ेद हो रहे थे और वो थोड़ी सी मोटी टाइप की थी, उन बच्चों के लिए कंफर्टेबल थी जो अपने मम्मी पापा को या घर को याद किया करते थे। और फिर मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे उनके टीचिंग मेथड से रिलेटेड, जो कि बहुत आसान थे। फोर्थ पैराग्राफ, नो वर मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम इज टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। हमें उन्होंने बताया कि हमें बच्चों को ज़्यादा कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ उनको सिंपल चीज़ें सिखाते हैं, सिंपल स्पेलिंग, जो एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, एंड द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम। और बाकी चीज़ें वो रीडिंग के द्वारा करते हैं, एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और अच्छी बातें करके, अच्छी तरीके से, एंड ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। कीप देयर हैंड्स क्वाइट, देर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स। और इन सब सीखने के दौरान उन्हें शांति से बैठना होता है, चुपचाप तरीके से, एंड इसके अलावा कोई अदर प्रैक्टिकल लेसन्स नहीं है हमारे पास। और फिफ्थ पैराग्राफ में वो बात होती है, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज, द रियल मीन्स सचमुच या वास्तविक, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थाट एज टू टीच थाटफुलनेस। हमारा असली काम ये नहीं होता कि हम बच्चों को सोचना सिखाएं, ज़्यादा सोचना सिखाएं, हमारा काम ये होता है कि उन्हें हम विचारपूर्ण बनाएं, अच्छा सोचने लायक बनाएं। द काइंडनेस काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम उन्हें दयालु बनाएं। काइंडनेस काइंडनेस मीन्स दयालु, जो लोग दूसरों के लिए अच्छा करें, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल, उनको अच्छा नागरिक बनाए।
नागरिक, लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, लुक आउट मीन्स देखना। क्या आप खिड़की के बाहर देखेंगी, वो उनसे बोलती हैं। और सिक्स पैराग्राफ में बात होती है, आई वेंट टू द विंडो विच ओवर लुकड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। मैं खिड़की के पास जाके उसे गार्डन, एक बड़ा गार्डन देखती हूँ एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। जिसमें एंड वॉट डू यू सी, मिस बीम पूछती हैं। सेवन्थ पैराग्राफ में बात होती है, आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स आई सेड। और मैं कहती हूँ, मतलब कि राइटर कहता है कि मैंने बहुत अच्छा ग्राउंड देखा एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे हंसमुख हंसते खेलते बच्चे देखे। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। फिर भी मैं, मुझे देख के ऐसा, उनको हंसमुख देख के बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं देख, वो राइटर देखता है क्योंकि वो हेल्दी नहीं होते, स्वस्थ नहीं होते और एक्टिव लुकिंग नहीं होते। इस वजह से व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। जब राइटर आया होता है, स्टार्टिंग में ही वो एक गरीब लड़की को देखता है जो कि ले जा रही होती है एक छोटे बच्चे के द्वारा, जिसकी आंखों में बैंडेज बना होता है। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, और वो सोचती है कि उसकी आंखों में कोई दिक्कत है या वो अंधी है। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, और मैंने, राइटर ने यानी कि, दो और बच्चे देखे उसी सेम दिक्कत से, परेशानी के, जिसकी आंखों में दिक्कत थी। देर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, सी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। और एक लड़की वो और देखता है राइटर, जो क्रचिंग मीन्स होती है कि जो विकलांगों के लिए लकड़ी होती है, सहारा होती है, उसे क्रच बोलते हैं, को यूज किया जाता है, उसे हम क्रच बोलते हैं। वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और वो सबको देख ली होती है दूसरे लोगों को खेलते हुए। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, यहाँ पे क्रिपल का मतलब है विकलांग को हम क्रिपल बोलते हैं। होपलेस मीन्स निराश, जिसको उम्मीद ना हो या वो जो निराश हो, उसे होपलेस कहा जाता है, वो होपलेस होती है। अब एट्थ पैराग्राफ में बात हो रही है, मिस बीम लाफ्ड, ओ नो सी सेड, शी इज नॉट रियली लेम, दिस इज ओनली हर लेम डे, द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर बट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे। मिस बीम लेखक पे हंसती हैं, राइटर पे, और कहती है ऐसा नहीं है। शी सेड, ऐसा कहती हैं, शी इज नॉट रियली लेम, और उस लड़की के बारे में जैसे अभी राइटर ने देखा होता है क्रच के साथ और विकलांग होती है जो, उसको वो बोलती हैं उस पर, इस बात पे, कि वो सचमुच की विकलांग नहीं है। लेम मीन्स होता है कि क्रिपल, क्रिपल और लेम दोनों वर्ड सेम है, क्रिपल और लेम बोथ आर सेम, वी यूज्ड इट फॉर विकलांग, ओके। एंड द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, और दूसरे लोग भी हैं वो भी ब्लाइंड नहीं है, अंधे नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये सिर्फ उनका आज दिन है कि वो इस तरीके से आज खेल रहे हैं ब्लाइंड होके। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर सी लाफ्ड अगेन, और दोबारा हंसती हैं मेरे उस बौचक्केपन पे, यानी कि जिस तरीके से सरप्राइज्ड हो जाता है लेखक। नाइन्थ पैराग्राफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, हमारी व्यवस्था का ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, कि हम बच्चों को ये सिखा सकें कि वो मिसफॉर्च्यून, दुख को कैसे देखें, समझें उसे चीज, उस चीज़ों को। वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, और वो शेयर करें उस दुख को। ईच टर्म, एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। During the blind day, their eyes are bandaged
एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। हर दिन कोई ना कोई बच्चा, यानी कि प्रत्येक बच्चे को कुछ ना कुछ बनना होता है। जैसे कि एक दिन उसको बनना होगा अंधे की एक्टिंग करनी होगी, एक दिन उसे विकलांग की एक्टिंग करनी होगी, और एक दिन उसे बहरे की, डेफ मीन्स। यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, डेफ मीन्स होता है जो सुन ना सके, बहरा। जो बहरे होते हैं उन्हें हम डेफ बोलते हैं। एंड इंजर्ड मीन्स घायल हो, जो उसकी एक्टिंग करनी है। एंड डम्ब, डम्ब मीन्स गूंगा, गूंगा, गूंगे की एक्टिंग करनी होती है ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे। और ब्लाइंड डे के दौरान, उस दिन, उस बच्चे की आंखें पर पट्टी बांध दी जाती है पूरी तरीके से, ताकि वो देख ना सके बाहर अपनी आंखों से, और उससे प्रॉमिस लिया जाता है। यहाँ पे आर ऑन देयर ओनर नॉट टू पीप, इसका मतलब ये है कि प्रॉमिस करना, प्रॉमिस लेना। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट, द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट मीन्स, इसका मतलब है कि ओवर नाइट मीन्स रात को। सो दे वेक अप ब्लाइंड, उनकी रातों को ही उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, ताकि वो सुबह देख ना सकें और अंधों की तरह ही उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब ये होता है कि उन्हें पूरे दिन जरूरत होती है किसी न किसी की। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। और दूसरे बच्चों को ये ड्यूटी दी जाती है कि वो उसकी, जो ब्लाइंड की एक्टिंग करेगा आज, उसकी मदद करे। और इस तरीके से दोनों लोग सीखते हैं, जो ब्लाइंड की एक्टिंग कर रहा होता है और जो उसकी मदद कर रहे होते हैं, दोनों तरीके से वे बहुत कुछ सीखते हैं। अब 10वें पैराग्राफ में बात हो रही है राइटर की, देर इज नो वाइजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड, एवरीवन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम बिफोर द डे इज ओवर, दो इवन द मोस्ट थॉटफुल एंड चाइल्ड रियलाइजेज वॉट मोस्ट मिसफॉर्च्यून इज। इसमें कोई परेशानी या दिक्कत वाली बात नहीं है। मिस बीम कहती हैं कि सभी बच्चे हमारे दयालु हैं, अच्छे हैं, और वो गेम को अच्छे तरीके से खेलते हैं बिफोर द डे इज ओवर। और गेम के ख़त्म होने से पहले जो बच्चा केयरफुल, यानी कि केयरलेस, थॉटलेस मीन्स केयरलेस भी होता है, उसे भी यह रियलाइज हो जाता है कि दुख या मिसफॉर्च्यून क्या चीज़ होती है, क्या होता है उसका होना। और 11वें पैराग्राफ में बात हो रही है, द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट एंड बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल विद दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। कुछ बच्चे बोलते हैं ब्लाइंड डे, अंधे होने का दिन, जिस दिन अंधा होना होता है, ब्लाइंड डे सबसे ज़्यादा बेकार और बैड है, वर्स्ट है। वर्स्ट मीन्स बैड, खतरनाक। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, कुछ बच्चे हमें, मुझे बोलते हैं ऐसा कि डम्ब, यानी कि गूंगे, जिस दिन वो गूंगे रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है करना उनके लिए। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम किसी बच्चे का माउथ तो बैंडेज नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, और उस दिन उनको अपनी विल पावर की एक्सरसाइज करनी होती है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, चलिए आप मेरे साथ चलिए और गार्डन में देखिए कि चिल्ड्रन ऐसा कैसा महसूस करते हैं इस गेम के बारे में। ऐसा मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बीम मुझे एक बच्चे के पास ले जाती हैं जो जिसके ऊपर आंखों पे बैंडेज होता है। ही इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस्टर मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम उससे बोलती हैं, लड़की से जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, कि ये जेंटलमैन आए हैं आपसे बात करने के लिए। तो 13 पैराग्राफ स्टार्ट होता है, फिर इसमें क्या बात होती है, डोंट यू ओवर पीप, मिस बीम तो चली गई होती हैं, तो राइटर पूछता है उस बच्ची से, डोंट यू ओवर पीप आई आस्क द गर्ल, ओ नो सिंस एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, यू कांट सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी सिट
गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। इसमें 13 पैराग्राफ में ये बात हो रही है कि राइटर पूछता है उस लड़की से कि तुम कभी झांकने की कोशिश नहीं करते पट्टी में से, और फिर वो बच्ची बोलती है कि ये तो एक चीटिंग होगी बट आई हैड नो आइडिया इट वो, पर उसको वो ये कहती है कि उसको ये आइडिया नहीं होता कि इतना बेकार होता है। ऑफुल मीन्स बेकार, बैड, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए बैड, ऑफुल ब्लाइंड होना इतना बुरा होता है, यू कॉन्ट सी अ थिंग, आप कुछ देख नहीं सकते, आपको हमेशा यह महसूस होता है कि आप किसी न किसी चीज़ से लड़ जाएंगे किसी भी वक्त, इट इज सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और यह सबसे आरामदायक होता है कि आप कहीं बैठ जाएं। आर यू हेल्प, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आस्क्ड, राइटर पूछता है क्या तुम्हारे हेल्पर्स दयालु हैं तुम्हारे प्रति, क्या वो तुम्हारी मदद करते हैं फेयरली, फेयरली मीन्स ऑनेस्टली, ईमानदारी से, बट दे आर नॉट सच, नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न, जब मेरा टर्न आएगा तो वो इस तरीके से तो नहीं करते पर मैं बहुत अच्छे से तरीके से करूँगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, इट इज परफेक्टली गैस्टिकली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई। इसमें वो फिर गर्ल बोलती है दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, वे सबसे अच्छे हेल्पर्स हैं जो इस चीज को देख चुके हैं, ब्लाइंड होना का महसूस कर चुके हैं, और यह एक वह इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, और मैं आपको यह कहती हूँ कि आप भी यह ट्राई करें, मैं चाहती हूँ कि आप भी यह ट्राई करें। शैल आई लीड यू एनी वेयर, आई आस्क्ड, राइटर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ, तो 15 पैराग्राफ में बात होती है अब उन दोनों की। ओ यस शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टू डे इज ओवर। वह लड़की बोलती है हाँ चलिए हम चलते हैं, वॉक पे चलते हैं, ओनली यू मस्ट टेल मी, और फिर राइटर पूछता है कि तुम्हें मुझे इन चीज़ों के बारे में बताना होगा, आई शैल बी सो ग्लैड, और वो बोलती है लड़की कि मैं बहुत खुश होंगी जब जब यह दिन खत्म होगा आज। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ, द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस, हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबल सम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट, आई डोंट थिंक आई विल माइंड बींग डेफ फॉर अ डे एट लीस्ट नॉट मच, बट बींग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, माई हैड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ। अब इस पैराग्राफ में 15 पैराग्राफ में बात ये हो रही है, ये दोनों वॉक पर चले जाते हैं और बात करते हैं इस बारे में कि ब्लाइंड होना कितना कैसा है, तो वह बोलती है लड़की कि यह तो कुछ भी नहीं है दूसरे अदर गेमों के मुकाबले, मतलब कि दूसरे गेम्स जो हैं वो इसके आधे हैं ब्लाइंड होने के, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा खतरनाक है, हैविंग अ लेग टाइप, अगर आप के पांव बंधे होते हैं तो आप क्रच का सहारा ले सकते हैं, और ये मेरे लिए गैस एक फन की तरीके से हो सकता है, और अगर आपके हाथ बंधे हुए हैं तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपको खाना खाने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए दूसरों की मदद चाहिए होती है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बींग डेफ, अगर जिस दिन मैं बहरे होने का करती हूँ रोल करती हूँ तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा कि ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बट बींग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, परंतु ब्लाइंड होना बहुत डरावना है, मेरा सर हमेशा इस सोच के लिए सोचते हुए सर में दर्द होता है कि कहीं मेरे को चोट ना लग जाए, मैं कहीं किसी से लड़ ना जाऊं किसी चीज से। फिर वो पूछती है वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं, 16 पैराग्राफ, इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस,
टूवर्ड्स द हाउस. मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद द टॉल गर्ल. अब यहाँ पे वह पूछती है कि हम कहाँ पे हैं, तो राइटर बताता है कि हम प्ले ग्राउंड में हैं एंड हम हाउस की तरफ, घर की तरफ जा रहे हैं. और मिस बीम टहल रही हैं एक लंबी लड़की के साथ. वॉट इज द गर्ल वेयरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. लड़की पूछती है कि लड़की ने क्या पहने हैं, कपड़े पहने हैं. अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, आई थिंक इट्स मिली. और राइटर उसे समझाती है कि उसने एक ब्लू कलर की स्कर्ट पहन रखी है, सूती स्कर्ट पहन रखी है, और एक पिंक ब्लाउज डाला हुआ है उसने. और तो सी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर. फिर उसके बाद वो लड़की बताती है कि आई थिंक वो मिली है उसके अनुसार. एंड वो बोलती है कि वो पूछती है बल्कि कि उसके बालों का कलर क्या है. तो राइटर बताता है वेरी लाइट, बहुत हल्के कलर हैं उसके बालों के. यस दैट्स मिली. अब वो कहती है हाँ वो मिली ही है. दैट सी इज द हेड गर्ल, वह हेड गर्ल है हमारी. देर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सैड. यस दैट्स अ पीटर, ही इज द गार्डनर, ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. और फिर राइटर जो है वो बोलता है कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन भी है जो कि प्लांट कर रहा है या टाई अप कर रहा है गुलाब के पौधे, गुलाबों को. यस और फिर वो लड़की बताती है कि वह पीटर है जो कि गार्डनर है इस प्लेग्राउंड का, और बस 100 सालों का है लगभग. एंड हियर कम्स अ गर्ल, एंड हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर. शी इज ऑन क्रचेस. दैट्स अनीता, सी सेड. और फिर वो लड़की बताती है कि वो लड़की अनीता है. 17वें पैराग्राफ में बात हो रही है. एंड सो वी वॉक ऑन. हम चलते हैं आगे, आगे चलते हैं इसी तरीके से. ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी. आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी. हम आगे चलते जाते हैं और धीरे धीरे मैं अपने आप को यह पाते हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरीके से थॉटफुल हूँ, और जैसा कि मैं पहले सोचा करती थी. मैं इस टाइम, और मैंने रियलाइज़ किया राइटर ने कि मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने के कर सकती थी, एंड थिंग्स और चीज़ों को दूसरों को अच्छी तरीके से समझाने के लायक थी, जैसे कि मैं पहले उससे पहले थी. इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग. और वह काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव. आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो. आई वॉज वेरी सॉरी टू गो. और फिर अंत में जब मैं जा रही हूँ, मतलब कि राइटर जा रहा होता है, तो वह मिस बीम से बोलता है कि बहुत दुख के साथ सॉरी, माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि यार मुझे जाना होगा. सी रिप्लाइड देन देर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. और फिर मिस बीम रिप्लाई करती हैं कि इसका मतलब हमारे सिस्टम में कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो है. इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है. और ये चैप्टर काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी मज़ा आया होगा आप लोगों को पढ़ के. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.